बड़छणा ब्लॉकर महिषागोठ गाँव रे बीरंची नारायण बराल जड़े कृषिविद दस एकर जगार गोटे फार्म कर इंटेग्रेटेड फार्म आज स्वाधीनता दिवस अवसर रे जिते मुझे फेरुली ए फार्म देखा मन बल आसी जहाँ देखिली से संगे संगे साधुवाद जनाऊँ से भाई एक अर्गानिक फार्मिंग व्यवस्था कर मु बर्तमान बीरंची बाबू पचार चाहे जे आपण एभली एक फार्म करने कहीं मन बड़े प्रथम आपण निजर संक्षिप्त परिचय देवे तापर एभली फार्म करने मन बलियार उद्देश्य संपर्क कहे सर आपण गर्वित एवं खुशी जहा हूँ सर आप मूल्यवान समय देवे मुझे अर्गानिक चाष करिवा पछरे दुईटी बड़ कारण तो अच्छी प्रथम कारण है 2010 मसीह मोर प्रिय मामू को मु आखि आगे हरईदेली आपणकर बम्बे टाटा कैंसर हस्पिटाल मुझे देखिली फास्ट तार मेन गेट आगे सब दि तीन टा दुकान अच्छी दैट इज अर्गानिक फ्रुट्स मुझे कहल अर्गानिक फ्रुट्स कहीं ये बिक्री होपर बुझला बेलू से कहले देखु आपण मानक तो निश्चित हो कैंसर किंतु आपण को पर माने जो पर पीढ़ी आसुच्चू आपण रक्षा करने आपण अर्गानिक खातु एवं अर्गानिक चाष करतु से मो मन बड़ी द्वितीय है मिसेस कहला मुझे घरे बस कौन कहि मुझे आत्मनिर्भरशील होगा चाहती तेणु मुंड भितर से जो थिला 2010 मसीह कौट गोटे जगह करके निश्चित यह भाया अर्गानिक फार्म करने जोटा कि 2016 मोर रूपरेख नाला जुलाई 27 आपण मैंने जहाँ सारे ये देखुं जुलाई 27 2016 मोर फास्ट स्टार्टिंग है माटी पकेवा जहाँ देखुं सब चार वर्ष भितर सर ये परियोजना अच्छी ये आपेडा ठू सर्टिफिकेशन पाई सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपेडा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आज की तीन वर्ष है आपण ठीक आज को चार वर्ष हो गला 2016 जुलाई 27 तारीख दिन आप आरंभ करते 2020 जुलाई 27 तारीख सरी आप चार वर्ष पूरी आपण कौन कौन कर कहतु सर आ भितर मु गोपालन आपणकर छेली एवं कुकुड़ा माछ चाष एवं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितकी पनीपरिया सब आधे अच्छी फ्रूट्स वेजिटेबल भी अच्छी फ्रूट्स वेजिटेबल भितर आपणकर मैंगोस्टीन आपणकर आवोकाडो आपणकर ड्रैगन फ्रूट्स आपणकर पपेया आपणकर लीची आपणकर पिजुली एवं आपणकर सपेटा आत ये सबू अच्छी रामफल ये सबू फ्रूट्स हिसाब से अच्छी आजिका डेट्रे पर भी आपणकर बैगण पोटल कखारू जहनी कलरा भेंडी छचिंदा एवं आपणकर कुंदुरी ये सबू भी होती प्रति दिदिन थे आम ये जिनस को कटक एवं भुवनेश्वर दीटा जगार आम पठाऊ बिक्री करने आपणकर कड़कनाथ कुकुड़ा भी रखिंट बनराज कुकुड़ा भी चाष कर डायरी फार्म कर गोबर गैस प्लांट करेली चाष कर आहरी बढ़ेबार योजना रखिंट माछ चाष कर आपणकर बेसिकली यहाँ अर्गानिक अर्गानिक चाष कर जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो अर्गानिक चाष कर किसी असुविधार सम्मुखीन होती ना आपको सुविधा होना प्रथम वर्ष दु वर्ष मत असुविधा होता एक्चुअली मुझे भावुँ एथेरे जो अर्गानिक उपाय जो ये करूली औषध से फलप्रद हो नाला कि अर्गानिक वन बै वन मुझे देखिली ताको जो कंटिन्यूस यूज करवा प्रोसीजर कली तापर आ तृतीय वर्ष को आज कौन सी रोग फल कि आसला ना आप सार देखु जिते पिजुड़ी एवं लगी कौन गोटे पोक आ रोग पाइबे ना सबू सार आपणकर किसी आपणकर खराब नथिबो किंतु प्रथम दु वर्ष मुझे ये माने इतस्तत हो जाती काले ये माने आमर जो अच्छी रोग प्रतिषेधक जो आम सब करुचु आपणकर होची जो विभिन्न पत्र पत्र आ फल सेटा काले नहब सक्सेस हो नाला मो मुंडे पशिता कितु एवं ये वर्ष कौन सी रोग मोर भी ये प्रोजेक्ट भितर आप देखु सर ना
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ସାର୍ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛି ଏଠି। ଗତ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ କରିଥିଲି, ପଟାଟୋ କରିଥିଲି, ଓନିଅନ୍ କରିଥିଲି, ଗାର୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି, ସବୁ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସାର୍, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଯେତେ କରିବା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଚାଷୀ ସମାଜକୁ ବା ଯୁବପିଢ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଳୀ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ 0 ବଜେଟିଂକୁ ଆସୁଛି। କଲଚର୍, ହର୍ଟିକଲଚର୍ ବା ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଫିସରୀ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ବା ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମୋତେ ଆପିକଲ୍ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଏବଂ ଆପିକଲ୍ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯେହେତୁ ଇଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଆପିକଲ୍ ମୋତେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଦେଇଛି ଗତ ବର୍ଷ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛି ନେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସନ୍ତୁ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ହେଉ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ।